अमेरिका का नया राष्ट्रपति, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही घंटे बाकी हैं जब मतदान शुरू होगा और जल्द मतदान के बाद गिनती शुरू होगी और पता चल जाएगा कि कौन होगा अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति। अमृतपाल सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। आइए अमृतपाल से लेते हैं ताजा अपडेट। अमृतपाल, अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन बैटल ग्राउंड स्टेट्स, जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, ये बड़ी निर्णायक भूमिका निभा रही है, क्योंकि चुनावी सर्वेक्षणों के अनुसार 1% का ही अंतर नजर आ रहा है, क्लोज फाइट है। बिल्कुल ठीक कह रही है भावना, आपके जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहाँ लड़ाई काफ़ी नज़दीकी है। अगर आप लेटेस्ट सर्वे देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज का, नेशनली कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स का फ़र्क है। ज़्यादातर स्टेट्स में जो बड़ी स्टेट्स हैं, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन टाइड है, जॉर्जिया में 1 परसेंटेज पॉइंट का फ़र्क है, नवाडा, एरिज़ोना क्लोजली बिहाइंड है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, पर परसेंटेज ऑफ एरर मार्जिन 3% होता है। तो उसको अगर आप जोड़े, स्विंग स्टेट कहीं भी जा सकती है। अब जब महज 7 घंटे बचे हैं इलेक्शन में, वोटिंग शुरू होने में जी। तभी ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि ये लोग कितने अपने वोटर बेस को ला सकते हैं, और सिर्फ अपने वोटर बेस को नहीं, दूसरे वोटर बेस में कितना सेंध लगा सकते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प वाक्या बताता हूं। मैं एक फैमिली को मिला, रिपब्लिकन वोटर्स, कहते जी हम सदियों से रिपब्लिकन हैं, हमने भी रिपब्लिकन्स को वोट किया, हमारे बाप ने भी किया, दादे ने भी की है। उनकी मियाँ बीवी थे, वो वाइफ कहती कि क्योंकि मेरे को कमला अपील करती हैं, वो विमेन राइट्स की बात करती हैं, चाहे मेरे हस्बैंड किधर को भी वोट डाले, मेरी फैमिली भी रिपब्लिकन रही है, मैंने डालनी वोट उसको है। ऐसे ही डेमोक्रेट वोटर्स मुझे टेक्सास में मिले, जो कहते कि देखिए हम सदियों से या काफ़ी देर से डेमोक्रेट रहे हैं, पर हम नाराज़ हैं जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन से, एंटी इनकम्बेंसी जिस तरह की वे कर रही है, जिस तरह का इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा है, जॉब्स पे फ़र्क पड़ रहा है, रिपब्लिकन्स को तो शायद हम वोट ना कर पाएँ, पर इनको नहीं करते, बार बैठेंगे। तो इस तरह का जो अनडिसाइडेड वोटर है वो भी बहुत फर्क डालने वाला है इतनी क्लोज टाइट रेस में, तभी ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। जी जी अमृतपाल, दिलचस्प मुकाबला तो है ही, लेकिन आप क्योंकि वहां पर खुद मौजूद है, तमाम लोगों से भी आप बात कर रहे होंगे जो वोटर्स वहां पर हैं, उनसे बात करने के बाद में आपको क्या नजर आता है, अहम मुद्दे क्या क्या है जिनको ध्यान में रखते हुए आज वोटर वहां पर मतदान करेंगे? जॉब्स, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, विमेन राइट्स या अबॉर्शन, ये मुद्दे हैं जो इनको डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। फिर अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे लैटिनोज हैं उनके लिए इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा है, इंडियन अमेरिकन्स हैं उनके लिए कंसेप्शन, उनकी असिमिलेशन एक बड़ा मुद्दा है, अरब अमेरिकन्स हैं उनके लिए गाज़ा फलस्तीन की जंग बड़ा मुद्दा है, उस पर क्या पोजिशंस हैं, पर एवरेज अमेरिकन के लिए उसको नौकरियां, इकोनॉमी, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, ख्वातीन के लिए विमेन राइट्स, अबॉर्शन का मुद्दा सबसे अहम है। जी जी इसके अलावा अमृतपाल, कुछ ऐसे इसको स्टेट्स में बांट दिया जाता है अमेरिका को, जैसे कि ब्लू स्टेट्स, रेड स्टेट्स, बैटल ग्राउंड स्टेट्स। अब कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो सिर्फ रिपब्लिकन को वोट करती आ रही है, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो सिर्फ डेमोक्रेट को वोट करती आ रही है, ऐसे में चुनाव कितना दिलचस्प हो जाता है जब बैटल ग्राउंड स्टेट्स एक अहम भूमिका निभाती हैं, और ट्रंप और हैरिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, हमने डिबेट में भी देखी ये बात। बिल्कुल, बैटल ग्राउंड स्टेट्स बहुत अहम हो जाती है। देखिए जो जो बाकी स्टेट्स हैं भावना, वो तो ट्रेडिशनली वोट करती रही हैं 50-60 सालों से। कैलिफोर्निया अगर डेमोक्रेट्स को वोट करती है, ब्लू स्टेट है, तो उन्होंने उधर ही जाना है। टेक्सास या जहां मैं हूं फ्लोरिडा, अगर रेड स्टेट्स हैं, उन्होंने ट्रंप को ही वोट करना है। हालांकि फ्लोरिडा जहाँ मैं हूँ, ये 2 इलेक्शन पहले तक स्विंग स्टेट होती थी,
2018 में रॉन डिसेंटिस जब गवर्नर बने तब से ये काफ़ी रेड होनी शुरू हुई। याद करें 2000 का मुकाबला अल गोर और जॉर्ज वॉशिंगटन जूनियर, इसी स्टेट का रिकाउंट मांगा था उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा था। एक वोट से जॉर्ज बुश जूनियर राष्ट्रपति घोषित हुए थे, तब कहा जा रहा था कि ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, सिलेक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राष्ट्रपति घोषित हुए हैं। खैर बहरहाल स्विंग स्टेट्स, आपका सवाल जो स्विंग स्टेट्स तभी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो कहीं जा सकती हैं। 7 स्विंग स्टेट्स हैं इस बार, सबसे बड़ी पेंसिल्वेनिया, फिर विस्कॉन्सिन, फिर मिशिगन, जॉर्जिया, नवादा, एरिजोना, ये स्विंग स्टेट्स हैं जो एक इलेक्शन में इधर वोट कर देती हैं, उस दूसरी इलेक्शन में उधर वोट कर देती हैं, तभी दोनों उम्मीदवारों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत अहम हैं। और तभी इतना जोर हमने देखा इन्होंने इस इलेक्शन में, इस चुनाव में इन पे लगाया, क्योंकि ये हालांकि छोटी हैं, कैलिफोर्निया में इलेक्टोरल कॉलेज में 54 मेंबर्स हैं, टेक्सास में 40 हैं, पेंसिल्वेनिया सबसे बड़ी है 19 हैं, 11 हैं मिशिगन में, जॉर्जिया में शायद 15 हैं, एरिजोना में फिर 11 हैं। तो अब 11 वर्सेस 40 पर इनके पास चाबी है, ये डिसाइड करेंगी कि कौन बैठेगा अगले 4 साल ओवल ऑफिस में। तो इसलिए ये अहम है और इसीलिए जितना जोर इन्होंने लगाया स्विंग स्टेट पे। जी अमृतपाल, संक्षेप में आपसे भी पूछना चाहूंगी कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में इस समय चुनाव होने वाला है, दुनिया भर की नजर है लेकिन भारत की नजर इस पर भी है कि भारतवंशी कितना प्रभाव डालेंगे इस अमेरिकी चुनाव में। भारतवंशी बहुत कम है यहाँ, अबाउट 4 से 5 मिलियन हैं, उसमें से अबाउट 1.5 से 2 मिलियन वोटर्स हैं, 1% अगर टोटल अमेरिकन वोटर पॉपुलेशन देखें 1% से कम है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नंबर्स में नहीं सिग्निफिकेंट, पर पढ़े लिखे हैं, पैसा है, गुजराती जो कम्युनिटी है वो मोटेल्स रन करती है, आपके कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर आईटी के लोग हैं, बहुत अरसे से बिजनेसमैन हैं, जो पंजाबी कम्युनिटी है वो बिजनेसेस में है, स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स रन करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है, ट्रकिंग बिजनेस में है, तो इनके पास नंबर्स कम है, ठीक है, पैसा ज़्यादा है, पढ़ी लिखी कौम है, तो ये इसलिए इनका इन्फ्लुएंस डिसप्रोपोर्शनेट ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि जब मुकाबला बहुत नज़दीकी हो, करीबी हो, तब आपकी कुछ वोटें असर डाल सकती हैं। बिल्कुल, तो मुकाबला कड़ा है, रोचक है, बहुत ही क्लोज फाइट नजर आ रही है। अब जबकि कुछ घंटे बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो दुनिया भर की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पे होंगी। अमृतपाल, फिलहाल इन ताज़ा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।